हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑक्टल टू डेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, एक लास्ट हमारा रह गया था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, हेक्साडेसिमल मीन्स बेस 16 को हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये डेसिमल में यदि इसकी बात करें ए, तो ए क्या होता है 10 और एफ को क्या लिखते हैं हम 15। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल ठीक है और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट किया था, सेम उसी टाइप से हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे। सेम प्रोसेस है, सिर्फ बाइनरी में हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था नंबर का, ऑक्टल में 8 से किया था और यह हेक्साडेसिमल है इसलिए हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसी प्रोसेस बताई थी मैंने, ठीक है पॉइंट यह रहता तो उसके बाद के हम नेगेटिव में लिखते चलते, ठीक है 16 की पावर, लेकिन यहाँ पर क्या है इंटीजर पार्ट है सिर्फ, फ्रैक्शन पार्ट ना ये नंबर का, तो इंटीजर पार्ट है सिर्फ, हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है f मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a, a मीन्स 10 इंटू 16 टू दी पावर 2, ठीक है प्लस ये क्या है 1, ठीक है तो 1 इंटू 16 टू दी पावर 3। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, f मीन्स क्या होता है 15, तो यहां पर हम उसका डेसिमल पार्ट लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने इस टाइप से लिख लिया, इनको कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा 6655, ये हो गया डेसिमल नंबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, थैंक यू।